तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने आइस एज मूवी का वो स्टार्टिंग में क्लिप देखी है, तो उसमें जो एक करेक्टर है वो एक मूंगफली की तरह एक चीज़ है, उसके पीछे काफ़ी पूरी मूवी में मतलब उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ वो चीज़ जो नेचुरली हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्रों में उगती है, और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं ये वो पेड़ है ऊपर, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो ये वो पेड़ है जहाँ पर वो चीज़ मिलती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर वो हमें मिल जाती है तो फिर आपको हम वो दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ। तो जैसा कि हम यहाँ से देखते जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे मिलती है। ये है वो पेड़, ये छोटा पेड़ है और पहाड़ी भाषा में इसको बोला जाता है बान का पेड़, और पशुओं के चारे के लिए भी ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो देख सकते हैं आप इसके पत्ते, ये तो छोटा है। चलो आपको इस पर बड़े पेड़ पर दिखाते हैं कि कुछ हमें मिलता है या नहीं आज। दोस्तों काफ़ी देर हो चुकी है ढूंढते हुए, लेकिन इस मौसम में ये काफ़ी मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो जैसा कि ये एक बान का बहुत ही बड़ा पेड़ है, देख सकते हैं आप, तो इसके नीचे शायद हमें कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा। तो देख सकते हैं ये है काफ़ी बड़ा। चलिए तो देखते हैं आगे चलकर कुछ मिलता है या नहीं। तो इसके नीचे अब बड़ी काफ़ी ध्यान से देखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ मिल जाए। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप, ये उसका ऊपर का पार्ट है लेकिन पूरा ये फिर भी नहीं है। चलिए आपको पूरा दिखाते हैं, लेकिन है उसी की तरह। मिला कुछ? मिल गया, मिल गया। दिखाइयो। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर, तो जैसा कि देख सकते हैं हमने बताया था कि बड़े पेड़ के नीचे ये पक्का मिलेगा, इसे पक्षी खाते हैं और वो चीज़ जो है यहाँ पर मिलती है। देख सकते हैं आप, ये है वो जिसे लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, बनगोड़ू। बनगोड़ू। तो ये है हमारे दोस्त, तो देख सकते हैं आप, ये है वो चीज़, ये देखिए। तो इसको हम तोड़ के दिखाते हैं जरा, इसके अंदर से क्या निकलेगा। तोड़ा मन, बड़ा सकते हैं। काफी सख्ती होता है और